हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, ड्यूटीज ऑफ बेली। ठीक है, बड़ा टॉपिक है। ड्यूटीज ऑफ बेली में इसकी पांच ड्यूटीज हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच। ठीक है, पहली ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू रीजनेबल केयर, ड्यूटी टू रीजनेबल केयर। ठीक है, इसके लिए आपको दो सेक्शंस, ठीक है, सेक्शन 151 और 152, दो सेक्शन आपको देखने होंगे ड्यूटीज टू रीजनेबल केयर। दूसरा है ड्यूटी टू नॉट अनऑथराइज्ड यूज। ठीक है, इसके लिए आपको 153, 154, ये दो सेक्शन आपको देखने होंगे। तीसरा ड्यूटी टू नॉट मिक्स्ड विद अदर गुड्स, ठीक है, ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट। ठीक है, 153, इसके लिए आपको तीन सेक्शन 155, 156 और 157। ठीक है, चौथा ड्यूटी टू रिटर्न ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसमें आपको 159, 160, 161, ठीक है, और एंड 165, 166, 167, ये, और इसमें भी ड्यूटी टू रिटर्न है जो इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है किसमें, इन सब्जेक्ट मैटर टू बेलर, बेलर 163। पांच ड्यूटीज बेलीज की है, ड्यूटी टू रीजनेबल केयर, रीजनेबल केयर करें, अनऑथराइज यूज ना करें, मिक्सर ना करें, ड्यूटी टू रिटर्न सब्जेक्ट मैटर, और अगर जो बेलमेंट की जो चीज़ है उसमें कोई इंक्रीज हुआ है या उसमें कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको भी रिटर्न करने की किसकी, पहली की ड्यूटी है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूटी टू रीजनेबल केयर, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 151, ये बेलर और ये बेली, बेली बाउंड है, बाउंड है किस लिए, कि केयर ऑफ द गुड्स, केयर ऑफ द गुड्स करे जो उसको बेल्ड किए गए। ठीक है, और किस तरीके से केयर करेगा, वो ऐसे केयर करेगा जैसे एक प्रूडेंट मैन। ठीक है, सिमिलर सरकमटांसेस में
ऑन गुड्स की करता है, अपने गुड्स की करता है। सेक्शन 151 कहता है कि जो बेली है वो बेली बाउंड है, बेली बाउंड है कि वो केयर करे गुड्स की जो उसको बेल किए गए हैं, ऐसे जैसे कि प्रूडेंट प्रज्ञावान सामान्य समझ का व्यक्ति सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में अपने सामान की करता है, ये उसकी ड्यूटी है। ठीक है, सेक्शन 151 ध्यान रखेंगे अभी, क्योंकि इसी के साथ हमको 152 भी पढ़ना है। ठीक है, ये क्या कहता है, बेली इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये क्या है, नॉट रेस्पॉन्सिबल ठीक है, नॉट रेस्पॉन्सिबल होगा तीन चीजों के, पहला किसी लॉस, दूसरा डिस्ट्रक्शन और डेट्रियोरेशन। ठीक है, ठीक है, नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस डिस्ट्रक्शन और डेट्रियोरेशन, कोई भी हानि हो या नाश हो या डेट्रियोरेशन मतलब कोई क्षय, किसी तरीके की उसमें कमी आना, ठीक है, वो अगर अगर इसमें 151 वाली रीजनेबल केयर की, ठीक है, तो ये जो एक स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर उसने 151 में जो प्रॉपर केयर थी वो की है, तो वो बेली जो है वो किसी लॉस डिस्ट्रक्शन या डेट्रियोरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है, अगर वो रीजनेबल केयर कर रहा, तो ये तो इसकी पहली ड्यूटी होगी। दूसरी ड्यूटी थी ड्यूटी टू नॉट अनऑथराइज्ड यूज्ड, ठीक है, इसमें भी हमको दो सेक्शन पढ़ने हैं, 153 और 154। कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है ये क्या है, इज वॉइडेबल है, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, ठीक है, यदि जो बेली है, ठीक है, वो इन रिलेशन ऑफ गुड्स, गुड्स के संबंध में क्या कर रहा है, जो इनकंसिस्टेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है, या यू कह लो जो बेलमेंट की जो कंडीशन थी, ठीक है, उनसे इनकंसिस्टेंट एक्ट कर रहा है, तो ये बेलर जो बेलमेंट की शर्तें थी उनसे असंगत या इनकंसिस्टेंट एक्ट कर रहा है, तो ये बेलर के ऑप्शन पर वॉइडेबल होगा। ठीक है, इसमें एक इलस्ट्रेशन है,
ठीक है, ए ये बी, ए अपना हॉर्स ठीक है सवारी करने के लिए, ए की सवारी के लिए ये उसको बी को देता है, बी ये उसकी राइडिंग करेगा उसकी सवारी को, लेकिन बी अपनी सवारी को सवारी के के लिए ठीक है अपनी सवारी के लिए उसको चलाता है, राइडिंग करता है ठीक है। तब ये एट द ऑप्शन ऑफ ए ये जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है ये वर्डेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ड्यूटी टू नॉट अनऑथराइज्ड यूज इसका एक और सेक्शन है 154। ठीक है, ये बेलर, ये बेलर ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये गुड्स का जो गुड्स है उसका यूज कैसे कर रहा है, नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ बेलमेंट, जो बेलमेंट की कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेली जो है ये लायबल होगा क्या, ये कंपनसेट करेगा टू बेलर, बेलर ठीक है कंपनसेट टू बेलर फॉर एनी डैमेज, जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए। एक बार और देखिए, बेली गुड्स का यूज कैसे कर रहा है, नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ बेलमेंट, जो बेलमेंट की शर्तें हैं उनके अनुसार उसका यूज नहीं कर रहा है, तो बेली जो है ये लायबल हो जाएगा कि वो बेलर को कंपनसेशन देगा जो भी उसको इस संबंध में डैमेज हुआ है उसके लिए। इसमें भी जो हमने अभी 153 में इलस्ट्रेशन देखा था कुछ इसी तरीके का है, ए अपना हॉर्स राइडिंग के लिए अपनी सवारी ढोने के लिए बी को देता है और बी अपनी फैमिली के एक मेंबर सी को ठीक है सवारी ढोने के लिए सी को दे देता है, जहाँ पर ये हॉर्स राइडिंग करते हुए क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बी ए को कंपनसेट करने के लिए लायबल है, यहाँ पर बी इस ए को कंपनसेट करने के लिए लायबल होगा, यदि ए ने अपनी सवारी के लिए ये बी को घोड़ा दिया था, बी ने उसके अकॉर्डिंग न चलते हुए फैमिली अपनी फैमिली के इस सी को राइडिंग के लिए घोड़ा दे दिया जिसमें इंजर्ड हो जाता है, तो यहाँ पर बी जो है ए को कंपनसेट करने के लिए लायबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो हमारी ड्यूटीज कंप्लीट हो गई। तीसरा था ड्यूटी टू नॉट मिक्स, ठीक है मिक्स नहीं करेगा, इसके लिए आपको सेक्शन 155 ठीक है, ये बेलर ये बेली ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट सो रहा है थोड़ा सा।